नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में ओप्पो रीनो 11 प्रो 5G वर्सेस ओप्पो रीनो 12 प्रो 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो रीनो 11 प्रो 5G में 6.39 इंच जबकि रीनो 12 प्रो में 6.36 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि रीनो 11 प्रो 5G से कम है। विड्थ की बात करें तो रीनो 11 प्रो 5G में 2.92 इंच जबकि रीनो 12 प्रो में 2.94 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो रीनो 11 प्रो 5G में 0.3 इंच जबकि रीनो 12 प्रो में 0.29 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि सेम जैसी ही है। अब बात करते हैं वेट की तो रीनो 11 प्रो 5G में 181 ग्राम जबकि रीनो 12 प्रो में 180 ग्राम का वेट देखने को मिलता है, जो कि सेम जैसा ही है। चलिए अब हम डिस्प्ले की तुलना करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही एमोलेड की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो रीनो 11 प्रो 5G में 20:1:9 जबकि रीनो 12 प्रो में 20:9 मिलता है। बात करें डिस्प्ले साइज की तो दोनों फोन में सेम ही 6.7 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन दोनों फोन में सेम ही 1080x2412px FHD+ मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो रीनो 11 प्रो 5G में 90.06% जबकि रीनो 12 प्रो में 89.72% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो दोनों फोन में सेम ही 394 पिक्सल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो रीनो 11 प्रो 5G में 1 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 50 MP 1.8 कैरेट वाइड एंगल कैरेट प्राइमरी कैमरा 24 mm फोकल लेंथ कैरेट 1.56 टिल्डे सेंसर साइज कैरेट 1 माइक्रो एम पिक्सल साइज 8 MP 2.2 कैरेट अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा 16 mm फोकल लेंथ कैरेट 4.0 टिल्डे सेंसर साइज कैरेट 1.12 माइक्रोमीटर्स पिक्सल साइज 32 MP 2.0 कैरेट टेलीफोटो कैमरा 47 mm फोकल लेंथ कैरेट 2.7 टिल्डे सेंसर साइज कैरेट 0.8 माइक्रोमीटर्स पिक्सल साइज देखने को मिलता है। और रीनो 12 प्रो की बात करें तो इसमें 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में टेलीफोटो कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो रीनो 11 प्रो 5G में 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और रीनो 12 प्रो की बात करें तो उसमें 12 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो रीनो 11 प्रो 5G में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 3 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं, और रीनो 12 प्रो में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU और RAM की जानकारी देखेंगे। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो रीनो 11 प्रो 5G में माली G610MC6 जबकि रीनो 12 प्रो में माली G615MC2 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो रीनो 11 प्रो 5G में MediaTek Dimensity 8200Z और रीनो 12 प्रो में MediaTek Dimensity 7300 एनर्जी मिलता है। बात करें रैम की तो दोनों फोन में सेम ही 12 GB रैम मिलती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो दोनों फोन में सेम ही 256 GB स्टोरेज मिलती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी की बात करें तो रीनो 11 प्रो 5G में नहीं है, जबकि रीनो 12 प्रो में अप टू 1 TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में एंड्रॉइड V14 देखने को मिलती है। बैटरी रीनो 11 प्रो 5G में 4600 mAh जबकि रीनो 12 प्रो में 5000 mAh देखने को मिलती है।
आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो रीनो 11 प्रो 5G में 2 कलर्स जबकि रीनो 12 प्रो में 3 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो रीनो 11 प्रो 5G 12 GB रैम 256 GB स्टोरेज के साथ 41,190 रुपीस में मिल जाता है और बात करें रीनो 12 प्रो की तो वो 12 GB रैम 256 GB स्टोरेज के साथ 39,090 रुपीस में मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है, मेन कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में दोनों फोन सेम ही है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें ओप्पो F25 Pro 5G है, दूसरा नथिंग फोन 2A 5G है, तीसरा Vivo V30 5G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Vivo V30 Pro 5G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्रिय दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।